हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैपी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स बुक। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज 0 ए रैशनल नंबर? 0 क्या रैशनल नंबर है? टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट आई विल शो यू अ वेन डायग्राम। फर्स्ट नेचुरल नंबर। What is natural number? You know that natural number are the numbers, all counting numbers starting from 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. All these are natural numbers. Now when we add 0 with natural number, then it's called whole number. When we start our counting, from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So whole numbers are the counting numbers along with 0. So 0 is a whole number but not a natural number. Now when we add negative numbers, then it becomes integers. Integers. A positive number zero and negative number. So integers are the set of positive numbers zero and negative numbers. That means when we add negative numbers with whole number, then it becomes integers. होल नंबर के साथ जब नेगेटिव नंबर ऐड होता है तो ये इंटीजर्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट रैशनल नंबर। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर? ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस इन क्लास 8। आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है क्लास 8 में। सो रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q, where P and Q are integers. That means P and Q can be positive number as well as negative number because integers, and Q not equal to 0. Q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। These numbers are called rational number. Now, our question is that is zero a rational number? Yes, zero is a rational number because zero is a whole number and whole number is a rational number. All natural numbers, all whole numbers, all integers are rational number. So zero is a whole number. That means zero is a rational number. In other way, we can say that zero is a rational number because we can write it in the form of P by Q, where Q not equal to 0. We can write 0 as 0 by 1. We can write 0 as 0 by 2. We can write 0 as 0 by 3, 0 by 4. And all these values of all these are 0. 0 by 1 bhi 0 hota hai. 0 by 2 bhi 0 hota hai. 0 by 3 bhi 0 hota hai. So we can write it 0. हम 0 को p by q form में express कर सकते हैं and p
एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू को इंटीजर्स होना पड़ता है, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, एंड लास्ट पॉइंट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. ऑल ऑफ दिस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. फोर एग्जाम्पल्स में किसी में भी क्यू जीरो नहीं है. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर. थ्री एंड फोर के बीच में हमें सिक्स रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. नाउ ये कैसे करें? एज वी हैव टू फाइंड आउट सिक्स रैशनल नंबर्स, हमें सिक्स रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ये थ्री एंड फोर दोनों ही रैशनल नंबर है, इसलिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. थ्री इक्वल टू थ्री बाई वन एंड फोर इक्वल टू फोर बाई वन. नाउ हमें सिक्स रैशनल नंबर्स, इनके बीच में सिक्स रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. मैं सिक्स रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, दैट्स वाई हम सिक्स प्लस वन सेवन से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली वन इंटू सेवन फोर इंटू सेवन. हम सिक्स से कोई छोटा नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. मोर देन सिक्स, सिक्स से ज्यादा नंबर से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर. ट्वेंटी वन के नेक्स्ट नंबर है ट्वेंटी टू बाई सेवन, देन ट्वेंटी थ्री बाई सेवन, देन ट्वेंटी फोर बाई सेवन, देन ट्वेंटी फाइव बाई सेवन, देन ट्वेंटी सिक्स बाई सेवन, देन ट्वेंटी सेवन बाई सेवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. And click the bell icon so that you will get the notification of our all videos.